यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने पर मंगलवार को एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं के चेहरे खिल गए। आपको बता दें, सुबह से ही छात्र छात्राओं को रिजल्ट का इंतजार था। जब दोपहर में इंटरनेट पर रिजल्ट आया तो सभी छात्राओं के चेहरे खिल गए, जिसके संबंध में एडी इंटरमीडिएट की छात्रा ऋतु गुप्ता ने बताया कि सेकेंड डिवीजन आई हूँ, सुबह से रिजल्ट का इंतजार था और एक डर बना हुआ था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बहुत खुशी है, जिसका श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को जाता है। आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है। वहीं छात्रा स्नेहलता पांडे ने कहा कि हम लोग बहुत खुश हैं, सुबह से रिजल्ट का इंतजार था, अचानक आ गया तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद खुशी है। अब ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करनी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा ऋतु गुप्ता स्नेहलता पांडे ने कहा। 12th इंटर। आज रिजल्ट घोषित हुआ, कितना परसेंटेज आया? हाँ, परसेंटेज तो अभी नहीं देखा मैंने, पर इतना देखा सेकंड डिवीज़न आया है। खुशी है इस बात की कि मैं अयोध्या दास गर्ल्स इंटर कॉलेज से हूँ, तो इतना हमको वो नहीं था, अपने ऊपर विश्वास था कि हाँ हम पास हो जाएंगे। और क्या बोलते हैं, डर तो लग रहा था कि होगा कैसे निकलेगा, कुछ अता पता नहीं था, पर हो गया, भगवान की दया से सब अच्छे से हो गया, सेकंड डिवीज़न आए। क्या नाम है आपका? ऋतु गुप्ता। 12th। आज रिजल्ट घोषित हुआ, कितना परसेंटेज आया? परसेंटेज तो 311 नंबर है। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। कितना इंतजार था आज के दिन का? इंतज़ार तो बहुत था, क्योंकि आज सडनली ऐसे मतलब मेरे सामने आ गया कि आज रिजल्ट निकलेगा, पर इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो मुझे पता चला, अच्छा लगा काफ़ी। कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन अगर अच्छा किया होता तो इससे ज़्यादा अच्छा था। आगे का क्या प्लान है? आगे एक रास्ता खुलता आगे जाने का? हाँ, आगे बीए करना है, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करनी है। क्या नाम है आपका? स्नेहलता पांडे।